बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 36 घंटे हो चुके हैं। करीब 24 घंटे से शेख हसीना भारत में है, लेकिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री निवास में बवाल की जो तस्वीरें अब आई हैं, वो हैरान करने वाली है। 4 लाख लोग सड़क पर थे, हर तरफ इंसानी सैलाब था, ऐसी ही तस्वीरें थी। और यही भीड़ गेट तोड़कर ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुसी थी, और जब बाहर निकली तो किसी के सिर पर कुर्सी थी, कोई पंखा लिए हुए था, एक ने तो रिक्शे पर सोफा ही लगा दिया था। छुरी चम्मच से लेकर बर्तन तक उठा लिए गए। लुंगी पहने एक शख्स को सिर पर बड़ा सा सोफा लाते हुए देखा। वॉशिंग मशीन से लेकर गमले तक चुराए गए। कपड़ों की गठरी, टीवी, रिवॉल्विंग चेयर, सूटकेस, गद्दे भी ले लिए गए। और तो और, भीड़ ने पीएम हाउस में मुर्गी, बकरा, बतख, मछली तक पर हाथ साफ कर लिया। शेख हसीना भारतीय साड़ियों के प्रेम के लिए मशहूर है। प्रदर्शनकारियों ने आवास में घुसकर उनकी साड़ी पहनी और उनके कपड़े तक चुराए। जिस इमारत में भीड़ चिकन से लेकर बिरयानी तक की दावत उड़ा रही थी, वहां घुसना आम बांग्लादेशियों के लिए मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि मौका मिला तो किसी ने भी हाथ साफ करने में देरी नहीं की। यहां तक कि महिलाएं भी पीछे नहीं थी। सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है। महिला डियोर का सूटकेस लेकर जाती हुई नजर आ रही है। डियोर के सूटकेस की कीमत लाखों रुपए में होती है। 2 साल पहले श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के देश छोड़े जाने के बाद भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुसी थी, जमकर लूटपाट की और सब कुछ उठा कर ले गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। घरों को आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। आग की लपटों में ये घिरा चटगांव का नवग्रह मंदिर है। भीड़ ने पहले मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और फिर आग लगाने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया, मूर्तियां तोड़ डाली और फिर मंदिर को आग लगा दी। हमले के बाद से ही बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदू दहशत में हैं। एबीपी न्यूज ने ढाका के इस्कॉन मंदिर में रुके हिंदू परीक्षित गोविंद से हालात जानने की कोशिश की। आप लोग टेम्पल में कितने लोग रुके हुए हैं परीक्षित जी? टेम्पल में 200 डिवोटी है। 200 लोग? हाँ, 200 लोग। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। 27 जिलों में जमकर हिंसा हो रही है। अवामी लीग के नेताओं के साथ साथ हिंदुओं के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक पिछले 36 घंटे में करीब 334 हिंदू घरों में तोड़फोड़, आगजनी की शिकायतें स्थानीय पुलिस के पास पहुंची हैं। 5 जिलों में हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पूजा करने आए लोगों और पुजारियों के साथ मारपीट हुई है। कुछ मंदिरों में मूर्तियों को भी नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सरकार सतर्क है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा, सुनिए। What was particularly worrying was that minorities, businesses and temples also came under attack at multiple locations. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश में हिंदू हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। 1947 में बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, 1974 में घटकर 13.5% रह गए। 2011 में बांग्लादेश में 10% हिंदू थे, 2022 आते आते 8% हो गए। 2021 में बांग्लादेश कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था, सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, कई मंदिरों को तोड़ दिया था। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी अल्पसंख्यक रेत की तरह छलनी से छनते जा रहे हैं। 2016 तक औसतन रोज 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। बांग्लादेश में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चिटगांव में 6 से ज्यादा पुलिस स्टेशन में आग लगाई जा चुकी है, तो जैसोर में कई होटलों में भी आग लगाई गई है। धुंधु कर जलता है इस होटल का नाम जब्बीर इंटरनेशनल होटल है। होटल के मालिक का नाम शाहीन चकलादार है। शाहीन आवामी लीग के नेता है, आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है, इसलिए दंगाइयों ने होटल को आग लगा दी। आग लगाने के वक्त होटल में 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से 24 की जलकर मौत हो गई। होटल के अलग अलग फ्लोर पर आग के झुलसे हुए लोगों के शव मिले। चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। 6 पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बावजूद बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। दिन ही नहीं, रात में भी उपद्रवियों के झुंड शहर शहर शमशान बना रहे हैं।
ढाका के साथ चटगांव, जैसोर, रंगपुर, नारायणगंज में भयंकर दहशत का माहौल है। आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर से घसीट कर मारा जा रहा है। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भी आग लगाने की कोशिश की गई। ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2010 में की गई थी। सेंटर में 21,000 से ज्यादा किताबों वाली लाइब्रेरी है। ढाका में शेख हसीना की पार्टी के हेडक्वार्टर को खाक में मिला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बंग बंधु म्यूजियम को भी फूंक डाला है। बांग्लादेश में 16 जुलाई को भड़की हिंसा में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जहां पुलिस थाने जलाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की मौत की खबरें बढ़ती ही चली जा रही हैं। बांग्लादेश में लगी विद्रोह की आग अमेरिका तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के दूतावास में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। नारे लगाते हुए भीड़ न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पहुंची। रोकने की कोशिश की तो जबरन अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारी लाल कपड़ों में थे, कुछ ने सिर पर लाल पट्टी भी बांधी थी। भीड़ ने दूतावास में तोड़फोड़ की कोशिश की। कर्मचारियों ने समझाया, इसके बावजूद भीड़ नहीं मानी। दूतावास के अलग अलग कमरों में घुस गई। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटा दिया। ढाका की तरह ही प्रदर्शनकारी दूतावास में मौजूद ऐतिहासिक चीजों को भी अपने साथ ले गए। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का मकसद देश के उस नेता का नामो निशान मिटाना है जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म को सहकर देश के करोड़ों बांग्लादेशियों को नर्क से निकाला था। ढाका में मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़ा चला दिया गया। संसद भवन से लेकर पीएम आवास तक मुजीबुर रहमान की हर निशानी को मिटा दिया गया। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के संघर्षों की वजह से ही बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। आज 53 सालों के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश अपने वजूद के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया गया। अब सवाल यह है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से चले जाने के बाद सत्ता कौन संभालेगा? क्या पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी सेना प्रधानमंत्री बनाएगी और फौज ही सत्ता चलाएगी? महीने भर तक भयंकर हिंसा का तमाशा देख चुके ढाका में फौज का पहरा है। आर्मी गश्त लगा रही है, कर्फ्यू हटा दिया गया है, दफ्तर खोल दिए गए। बावजूद इसके हंगामा और हिंसा खत्म नहीं हो रही है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता पर अब कौन बैठेगा? बांग्लादेश की परंपरा कहती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। सन 1990 में बांग्लादेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे। सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर एक अंतरिम सरकार बना सकते हैं। बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयरटेकर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मा ने 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही थी। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा की गई है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सामाजिक कार्यकर्ता और बैंकर, ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी हटाने वाले मिशन के लिए जाने जाते हैं। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद यूनुस फिलहाल पेरिस में है। यूनुस ने बांग्लादेश में बगावत को दूसरा मुक्ति संग्राम बताया। I am seeing it in a different way. Today we are having a second liberation day. It's a fantastic celebration going all over the country. मोहम्मद यूनुस ने 2007 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तब बांग्लादेश में फौजी हुकूमत थी और शेख हसीना जेल में थी। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में शेख हसीना का कट्टर दुश्मन माना जाता है। इसी साल जनवरी में श्रम कानून उल्लंघन के मामले में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। ABP News आपको रखे आगे।